दोस्तों इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें मेरे चैनल असनिक स्टडी, साथ में इस बेल के आइकन पर क्लिक करें और पाएं मेरे सारे अपडेट सबसे पहले। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, यू वेलकम टू ओसैनिक स्टडी। दोस्तों जो ग्रुप डी एएलपी टेक्नीशियन का जो फॉर्म फिलअप हुआ था दोस्तों, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 2,37,00,000, जी हाँ दोस्तों 2,37,00,000 फॉर्म फिलअप किए गए थे, जिसकी स्क्रूटनी की प्रक्रिया चल रही थी। जी दोस्तों स्क्रूटनी की प्रक्रिया चल रही थी रेलवे द्वारा, वो समाप्त कर ली गई है। जी दोस्तों आरआरबी द्वारा जो स्क्रूटनी की प्रक्रिया चल रही थी वो समाप्त कर ली गई है, जिसका स्टेटस। जी हाँ दोस्तों अगर जिनको भी स्टेटस देखना है रेलवे में उनका फॉर्म सेलेक्ट हुआ या फिर रिजेक्ट हुआ है, वो खुद चेक कर सकते हैं ऑफिशियल साइट। जी हाँ दोस्तों रेलवे की जो ऑफिशियल साइट है उस पर डाल दी गई है, कल ही डाल दी गई है सेलेक्टेड और रिजेक्ट फॉर्म डाल दी गई है। तो आप लोग चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं किनका फॉर्म सेलेक्ट हुआ है, किनका सेलेक्ट नहीं हुआ है। बस वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है तथा डेट ऑफ बर्थ। जी हाँ दोस्तों अपना पहले जॉन चूज़ करना है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये झारखंड का है दोस्तों, जिसमें 8,50,000। जी दोस्तों 8,50,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिलअप कराया ग्रुप डी के लिए। अब अपने अपने जोन में, जी दोस्तों अपने जोन की जो साइट है, जैसे ये रांची का तो rrb.ranchi.gov.in है, तो उसी तरह आप अपने जिस जोन से आप लोगों ने डाला है दोस्तों, जैसे इलाहाबाद हो तो इलाहाबाद देख सकते हैं, तो इसी तरह आप अपने जोन में सर्च करें, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। ग्रुप डी के लिए अलग लिंक है फ्रेंड्स, ग्रुप डी के लिए अलग लिंक है तथा जो टेक्नीशियन तथा एएलपी है इसका अलग लिंक है। दोनों ही लिंक अलग अलग दिए हुए हैं, आप उस लिंक में जाएं और जो ग्रुप डी से फॉर्म डाले हुए हैं, फॉर्म फिलअप किए हैं, वो ग्रुप डी में चेक कर सकते हैं तथा जो एएलपी टेक्नीशियन से फॉर्म फिलअप किए हैं वो उसमें जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये पूरा दिया हुआ है वहाँ पर, स्टेटस में जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं अपना फॉर्म सेलेक्ट हुआ या फिर रिजेक्ट हुआ। वहाँ से प्रिंट का भी ऑप्शन आता है, आप जाके वहाँ पर अपना जो फॉर्म आपने फिलअप किया है वो प्रिंट भी मार सकते हैं वहाँ से। देखिए यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम की जो प्रक्रिया है फ्रेंड्स, अगस्त सितंबर, जी दोस्तों अगस्त सितंबर में होने की संभावना भी है यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हैं अगस्त सितंबर में एग्ज़ाम भी हो सकता है, तो इसलिए आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से लगे रहे दोस्तों प्रिपरेशन में। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया, कुछ डिटेल दिया गया, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आप लोगों को। आप देखो कि फॉर्म की स्क्रूटनी पूरी होने के साथ ही रेलवे आरआरबी 21 परीक्षाओं की तैयारी में जुट गया है। जी दोस्तों 21 परीक्षाओं की तैयारी में जुट गया है, जिसमें क्या है बताया गया है कि अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर में जो रेलवे का एग्ज़ाम है दोस्तों, वो ऑनलाइन परीक्षा शुरू होगी। यह परीक्षा 2 से 3 महीने चलने की संभावना है, इसके लिए सेंटर निर्धारित जो सेंटर का निर्धारण वो शुरू हो गया है दोस्तों। परीक्षा की तिथि की घोषणा जल्द ही होगी। जी दोस्तों परीक्षा की जो तिथि की घोषणा है वो जल्दी की जाएगी तथा जो एग्ज़ाम है वो 2 से 3 महीने तक चल सकती है, क्योंकि फॉर्म जो फिलअप बहुत ही ज़्यादा हुआ दोस्तों, 2,37,00,000 जो उम्मीद थी दोस्तों, रेलवे बोर्ड की जो उम्मीद थी उससे बहुत ज़्यादा ही था, बहुत ही ज़्यादा। तो जिसकी वजह से जो आरआरबी को है स्क्रूटनी में भी लेट हो गई और जो एग्ज़ाम का जो शेड्यूल निकाला गया था उसमें भी लेट हो गया है, लेकिन अब जो स्क्रूटनी की जो प्रक्रिया है दोस्तों वो पूरी कर ली गई है। देखिए यहाँ पर दिया गया दोस्तों लास्ट डेट, जो कब तक आप अपना फॉर्म जो स्टेटस देख सकते हैं वो यहाँ पर दिया गया है, स्टेटस जो है। जी दोस्तों लास्ट डेट में बता दूं स्टेटस देखने का, आप अगर अपना स्टेटस चेक नहीं किए तो जल्दी चेक कर लें। ये देखिए स्टेटस यहाँ पे दिया गया कि आप 20 जुलाई जी दोस्तों 20 जुलाई तक अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं, उसके बाद आप चेक नहीं कर सकते हैं। वो जो लिंक है वो ऑफिशियल लिंक जो है वो आरआरबी के द्वारा हटा दी जाएगी, रेलवे के द्वारा हटा दी जाएगी, फिर आप वो स्टेटस नहीं चेक कर सकते। इसलिए आप 20 से पहले ही चेक कर लें दोस्तों, जल्दी से अपने जो स्टेटस है वो चेक कर लें कि आपका फॉर्म सेलेक्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है। ओके दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि इस तरह के जॉब रिलेटेड न्यूज़ आप लोगों को मिल पाए सबसे पहले। ओके दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद।